हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू यूपीएससी मंत्रा। माय नेम इज राजीव हीर। आज से हम इकोनॉमिक्स क्लासेस शुरू करेंगे। यूपीएससी के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए आपकी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। इनमें से लगभग और बड़े आराम से 12 से 14 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स के आ जाते हैं। कई मरतबा ये संख्या कम भी होती है और कई बार ज़्यादा। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स से आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जैसे अगर 10 क्वेश्चन टोटल हैं तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक इकोनॉमिक्स से आ जाएंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं लगभग 6 से 7 वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स से रहते हैं। तो आज उसी पे हम चर्चा करेंगे और वहीं से अपनी क्लासेस शुरू करेंगे। इकोनॉमिक्स क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, क्या बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स के साथ साथ हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इकोनॉमिक्स क्या है या अर्थशास्त्र है क्या, इसका सोर्स किसको माना जाता है, क्या है इसके ओरिजिन का सोर्स। इकोनॉमिक्स का जो ओरिजिन माना जाता है, जो उद्गम माना जाता है, उद्गम स्रोत माना जाता है, वो 1776 में एक किताब आई थी, दी वेल्थ ऑफ नेशंस। किताब का नाम था दी वेल्थ ऑफ नेशंस। ये किताब एडम स्मिथ की है। इस किताब को माना जाता है एडम स्मिथ 1776 दी वेल्थ ऑफ नेशन। इस किताब को उद्गम स्रोत माना जाता है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। एक और अर्थशास्त्री हुए हैं एडम स्मिथ के अलावा। अच्छा, ये एडम स्मिथ वही है जो डिमांड और सप्लाई को बोलते हैं इनविजिबल हैंड्स ऑफ द मार्केट। डिमांड और सप्लाई को लेकर एडम स्मिथ का बहुत पॉपुलर ये कोट है, इसको बोलते हैं अदृश्य हाथ है ये मार्केट की, मांग और आपूर्ति। एक इतिहासकार और है सैमुअलसन। ये बोलते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो सैमुअलसन के हिसाब से इकोनॉमिक्स जो है, अर्थव्यवस्था जो है, वो विज्ञान है किसका, धन का विज्ञान है। तो ये अलग अलग डेफिनेशन हैं इकोनॉमिक्स की। शुरुआत को जो क्रेडिट दिया जाता है वो एडम स्मिथ को ही दिया जाता है, क्योंकि इनकी जो किताब आई थी 1776 में, यहाँ से बहुत पॉपुलराइज हो गया था ये पार्टिकुलर टर्म। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो इकोनॉमिक्स है, इस इकोनॉमिक्स में हम मोस्टली मैक्रो और माइक्रो दो डिविजन्स पढ़ते हैं, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। लेकिन कितना छोटा, किस लेवल का। मैक्रो अगर बड़ा है तो किस लेवल का बड़ा, कितना बड़ा। यानी अगर हम इकोनॉमिक्स लार्ज स्केल पे पढ़ेंगे तो कितनी बड़ी या किस लेवल की इकोनॉमिक्स होगी। अगर हम इकोनॉमिक्स छोटे लेवल पे पढ़ेंगे तो कितने छोटे लेवल पे पढ़ेंगे भाई, इस चीज़ की हम चर्चा अभी करने वाले हैं। ये जो टर्म आया है मैक्रो और माइक्रो, इस टर्म को हिंदी में अलग नामों से जानते हैं। हिंदी में इसके जो नाम होते हैं वो नाम होते हैं, जो मैक्रो शब्द है और जो माइक्रो शब्द है। माइक्रो को हम व्यष्टि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थव्यवस्था। और ये जो हमारा मैक्रो टर्म है, इस मैक्रो को हम समष्टि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समष्टि। तो दो शब्द हमारे पास हो गए, एक हो गया माइक्रो और एक हो गया मैक्रो। माइक्रो मतलब व्यष्टि अर्थव्यवस्था यानी छोटी अर्थव्यवस्था, मैक्रो मतलब बड़ी। अब जरा ये जानते हैं, अगर माइक्रो स्मॉल है, व्यष्टि है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अर्थव्यवस्था जो हाउस होल्ड लेवल पे होती है। हाउस होल्ड लेवल का मतलब हुआ कि आम नागरिक या हर व्यक्ति व्यक्ति के घरों पे जो हम एक इकोनॉमिक्स देखते हैं, जो हमारी माएँ अपने घर में किचन संभालने से लेकर घर संभालने तक जो पिताजी की आय के हिसाब से व्यय या खर्च होता है, उस हिसाब से जो बजट बनाती है, वो जो हाउस होल्ड लेवल पे हम देखते हैं उसको हम माइक्रो लेवल पे ले जाते हैं। और मैक्रो मतलब लार्ज स्केल, ये एग्रीगेट होता है। इस एग्रीगेट में बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे नेशनल लेवल का इन्फ्लेशन है ना, जैसे नेशनल लेवल में राष्ट्रीय स्तर पर आप देखोगे ग्रोथ और डेवलपमेंट वाली चीज़ें, या इन्फ्लेशन तो हमने देख लिया, मुद्रास्फीति, महंगाई, इन सभी चीज़ों को नेशनल लेवल पे हम देखते हैं। कौन से लेवल पे, नेशनल लेवल पे।
तो राष्ट्रीय स्तर का मतलब हुआ वो इकोनॉमिक्स जो मैक्रो लेवल पे देखी जाती है वो नेशनल लेवल की इकोनॉमिक्स होती है, और वो जो माइक्रो लेवल पे देखी जाती है उसे हम व्यष्टि या फिर हाउसहोल्ड लेवल की इकोनॉमिक्स से कंपेयर करते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि मैक्रो क्या हुआ और माइक्रो क्या हुआ। अब इसके अलावा इकोनॉमिक्स में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि सेपरेट अलग अलग डिविजन्स हो जाते हैं। अलग अलग डिविजन्स कैसे बोले तो कि एक आपको ऑर्गन मिलेगा बैंकिंग इकोनॉमिक्स के नाम से, और एक आपको ऑर्गन मिल जाएगा जिसमें हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम सेपरेट टॉपिक के तहत कवर करेंगे, यानी सेपरेटली कवर करेंगे। और स्टॉक मार्केट के अलावा जो हमारे पास दूसरा डिवीज़न आता है वो होता है बैंकिंग इकोनॉमिक्स, जो बहुत पॉपुलर है। ये न सिर्फ यूपीएससी और स्टेट पीसीएससी, इसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्स जैसे आईबीपीएस के एग्जाम्स, बैंक पीओ वगैरह के, क्लर्क वगैरह के, और कई मर्तबा आपके एसएससी में भी यहाँ से बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारे अलग अलग जो डिविजन्स होंगे वो डिविजन्स हम कवर करेंगे किस में, इसी इकोनॉमिक्स में, इसी अर्थव्यवस्था में। अब जरा कुछ और शब्दों को हम ध्यान से लगाने की कोशिश करते हैं। ये जो हाउसहोल्ड लेवल का इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है डिमांड और सप्लाई से। किसे शुरुआत होती है? डिमांड और सप्लाई से। अब ये क्या है डिमांड और सप्लाई? डिमांड का हिंदी शब्द है मांग और सप्लाई का है आपूर्ति। और आपको पता भी होगा डिमांड और सप्लाई का मतलब हुआ मांग और आपूर्ति। अब डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, और कैसे ये मार्केट के इनविजिबल हैंड्स बोले जाते हैं एडम स्मिथ के द्वारा, जरा इन दोनों चीज़ों पे गौर करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो डिमांड है इस डिमांड का मतलब नीड या आवश्यकता कतई नहीं है। डिमांड कोई चीज़ तब बनेगी जब उस चीज़ को खरीदने के लिए कंज्यूमर या उपभोक्ता के पास पर्याप्त पैसे हैं, प्लस वो उस कीमत को अदा करने का इच्छुक है जिस कीमत पर वो चीज़ उसको बेचने को कही गई है। तो वेन अ कंज्यूमर इज हैविंग दी मनी, सफिशेंट मनी, एंड ही इज विलिंग टू पे, देन ओनली इट विल बिकम अ डिमांड। ऐसा ही सप्लाई पे होता है कि आपूर्ति क्या है, वो कीमत जिस पर एक सप्लायर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है और वो अपना प्रोडक्ट बेचने का इच्छुक है। जब दोनों चीज़ें आ जाएंगी तभी वो सप्लाई बनेगी यानी आपूर्ति बनेगी। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ कि ये जो हमारी डिमांड है इस डिमांड का नियम क्या है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो इस डिमांड को, इस मांग को जो है इफेक्ट करती है या प्रभावित करती है, जरा एक नज़र इस पे फटाफट डाल लेते हैं। तो लॉ क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग का नियम क्या है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस मांग को अफेक्ट कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सप्लाई को अफेक्ट कर सकती हैं। एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम खरीदना चाहते हैं उस प्रोडक्ट की खुद की वैल्यू, इट्स ओन प्राइसिंग, अफेक्ट्स दी डिमांड। मान के चलो हम चाय खरीदने गए और चाय की कीमत जो है 70 रुपए की 100 ग्राम है। कितनी है? 70 रुपए की 100 ग्राम। और चाय का सब्स्टिट्यूट जो मार्केट में मिल रहा है, यानी जो दूसरी ब्रांड की चाय मार्केट में अवेलेबल है या जो कॉफी मार्केट में अवेलेबल है, वो अगर 40 रुपए की 100 ग्राम है, तो ऐसे में कंज्यूमर, उपभोक्ता जो है इसको प्रेफर करेगा ना कि इसको। तो कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, उसकी खुद की जो प्राइसिंग होती है ये इसके डिमांड को, मांग को अफेक्ट करती है। दूसरा कि इस प्रोडक्ट के अलावा जो अन्य रिलेटेड चीज़ें हैं, अदर रिलेटेड आर्टिकल्स, उनकी कीमतें क्या हैं। जैसे मैंने बोला कि हमने चाय खरीदी, तो अगर चाय की कीमतें ज़्यादा हैं, कॉफ़ी की कीमतें सस्ती हैं, तो दूसरा जो कंज्यूमर है वो सस्ती चीज़ों की तरफ जाएगा, कंपैरेटिवली जिसकी प्राइसिंग लो है। तो हमें देखना है जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसकी प्राइसिंग क्या है,
और उससे जुड़ी हुई अन्य जो रिलेटेड आइटम्स और सब्स्टिट्यूट आइटम्स हैं उनकी भी प्राइसिंग क्या है, ये भी किसी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करती है। तीसरी चीज़ हमारे पास हो गई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि कोई उपभोक्ता है उस उपभोक्ता की इनकम कितनी है, आय कितनी है। अगर उसकी इनकम ज़्यादा होगी तो वो महंगे प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, उन्हें प्रेफर भी कर सकता है। अगर उसकी इनकम कम होगी, आय उसकी कम होगी, तो फिर वो कंपैरेटिवली जो चीपर प्रोडक्ट्स हैं यानी जिसकी कंपैरेटिव प्राइसिंग कम है उसको प्रेफर करेगा। अगली चीज़ क्या है कि जो कंज्यूमर है उस कंज्यूमर के टेस्ट या उस कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस क्या हैं, प्रेफरेंसेस क्या हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति, जो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है, उस व्यक्ति का, उस कंज्यूमर का क्या टेस्ट है और क्या वरीयता है। कई बार बाकी सारे फैक्टर्स एक तरफ हो जाते हैं और कंज्यूमर की प्रेफरेंस एक तरफ हो जाती है, कि अगर उपभोक्ता जो है वो किसी चीज़ को प्रेफर करना चाहता है तो बाकी के फैक्टर्स जो है कई मर्तबा काम नहीं करते हैं। तो जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, उसके प्रेफरेंसेस भी डिमांड के नियम को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि जो डिमांड है, जो मांग है, उस पर प्रभाव पड़ सकता है, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अब जिस प्रकार हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, ऐसे ही हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं कि क्या ऐसे कोई नियम है, ऐसी कोई प्रावधान है, ये ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से जो सप्लाई है उस सप्लाई में जो है इन्फ्लुएंस या फर्क डाला जा सके। तो ज़रा ध्यान से देखते हैं, सप्लाई में फ़र्क डालने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेक्नोलॉजी। क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अगर आपकी तकनीक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप कोई बढ़िया गुणवत्ता वाला, बढ़िया क्वालिटी वाला कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो सप्लाई है उस सप्लाई साइड पे फ़र्क पड़ेगा, राइट। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? आपने देखा होगा कई मर्तबा कि जो सप्लायर है वो सप्लायर अगर किसी पार्टिकुलर रेट पे अपना प्रोडक्ट बेचने को तैयार नहीं है तो वो चीज़ जो है वो सप्लाई नहीं बनेगी, वो चीज़ आपूर्ति नहीं बनेगी, है ना। जिस रेट पर सप्लायर बेचना चाहता है हमें उसी रेट पे ख़रीदना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये लॉ ऑफ सप्लाई को हम प्रभावित कर सकते हैं, राइट। टेक्नोलॉजी के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं? हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं द कॉस्ट्स, द टैक्सेस विच आर लेवाइड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने जो कीमतें लगाई हैं, सरकार ने जो टैक्सेस लगाए हैं, वो टैक्सेस भी बहुत हद तक ये प्रभावित कर सकते हैं क्या कॉस्ट क्या है उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की। इसके साथ साथ उसकी सप्लाई को भी प्रभावित कर सकते हैं। मान के चलो अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज होने के लिए तैयार है और सरकार ने उस पर एक्स्ट्रा लेवाई या टैक्सेस लगा दिए हैं, तो जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ जाएंगी और सप्लायर इस बढ़ी हुई कीमत पर प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ऐसे में उसकी खरीदारी बिक्री कम होगी। तो जब सप्लायर को एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे तो उसके प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ जाएंगी और इससे हो सकता है कि सप्लायर अपनी सप्लाई को प्रभावित कर दे। तो सरकार के द्वारा जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वो टैक्सेस भी कई हद तक ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो सप्लाई है उस सप्लाई पर फर्क पड़े। अगला है इनपुट कॉस्ट। अगर सप्लायर को कोई प्रोडक्ट बनाने में लागत ज़्यादा आई है तो वो सस्ते दामों में उस उत्पाद को कैसे बेच पाएगा? तो ये भी बहुत बड़ा एक रोल, पाइवोटल रोल प्ले करता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लगा है, उसकी इनपुट कॉस्ट कितनी है। इस इनपुट कॉस्ट से सप्लाई जो है वो प्रभावित हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि अगर कम लागत लगी है तो हो सकता है ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आए, और ज़्यादा लागत लगी है तो हो सकता है कम सप्लाई मार्केट में आए। तो हमने देखा कि इनपुट कॉस्ट, टैक्सेस,
टेक्नोलॉजी और कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सप्लाई साइड में, प्रॉपरली जो है वो सप्लाई साइड को सुनिश्चित करने के लिए या फिर सप्लाई साइड को कनेक्ट करने के लिए। इसको कनेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, मान के चलो सप्लायर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है, जैसे ट्रैक्टर हुआ या फिर कोई और चीज़ हुई, कार हुई, सप्लायर मार्केट में अपना पूरा का पूरा प्रोडक्ट वो रिलीज करना चाहता है, लेकिन सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, सप्लाई साइड में कुछ इस प्रकार की कमियां आ रही हैं जिनकी वजह से ये प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंच नहीं रहा है। हो सकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्लिचेस हो, यानी संभावना ये भी हो सकती है कि रोड खराब हो, या फिर जो है रोडवेज पूरा का पूरा ध्वस्त हो, या फिर कोई रोड हो ही ना। तो अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, तब भी सप्लाई साइड में दिक्कतें देखने को पाई जा सकती हैं। एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्रमांत या क्रमागत उपयोगिता हास सिद्धांत। अब इस शब्द का मतलब क्या हुआ, इस शब्द का मतलब ये हुआ जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट का यूज बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपको जो सेटिस्फेक्शन उस प्रोडक्ट के यूज से पहले मिलता था वो सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। इसको हिंदी में लिखते हैं तीव्रता कम होने के साथ ही इसकी उपयोगिता घट जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज करना शुरू करेंगे, तो जो सेटिस्फेक्शन हमें पहले मिलता था उस प्रोडक्ट को यूज करने से, धीमे धीमे ज़्यादा इस्तेमाल करने से उस प्रोडक्ट से मिलने वाली संतुष्टि जो है, सेटिस्फेक्शन जो है, वो धीमे धीमे कम होता नजर आएगा। इसको हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। अब ये जो हमारे मार्केट फोर्सेस हैं, इन मार्केट फोर्सेस पे एक नज़र डालते हैं। हमारे मार्केट फोर्सेस क्या क्या हैं, पहला तो है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। अब मैंने आपसे बोला था डिमांड और सप्लाई को मार्केट के इनविजिबल हैंड्स बोला गया है किसके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, इनविजिबल हैंड्स। और ये जो दोनों चीज़ें हैं, डिमांड और सप्लाई, यही डिसाइड करेंगी कि मार्केट में जो है वो क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है डिमांड का और सप्लाई का। अर्थात किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा रहने वाली है या कम रहने वाली है, ये मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी, ये मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखें तो जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड, और जो लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ सप्लाई, ये दोनों ही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों फैक्टर एक पिवोटल रोल प्ले करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मार्केट फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए। अब जरा एक शब्द और उठाते हैं कि अगर मार्केट से हमें डिमांड और सप्लाई के साथ ध्यान से अगर डील करना है तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको ये सुनिश्चित करना है कि सप्लाई जो है वो बढ़ती रहे और जो डिमांड है, डिमांड जो है वो डिमांड क्या थी, मांग,
और सप्लाई क्या थी, आपूर्ति, आपकी मांग क्या है और आपूर्ति कितनी है, राइट। अब जरा ध्यान से समझते हैं, नियम क्या है। नियम ये है कि अगर किसी चीज के जो प्राइसेस हैं, जो रेट्स हैं, वो रेट्स अगर घटेंगे, कीमतें अगर कम होंगी, तो आम तौर पर उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का जो डिमांड होगा, मांग जो होगा, वो बढ़ेगा, है ना। कोई भी चीज़ है, उसकी कीमतें घटेंगी तो जाहिर सी बात है उसकी मांग बढ़ेगी। और अगर उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कीमतें हैं, वो कीमतें अगर बढ़ेंगी, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो उसका जो मांग होगी, जो डिमांड होगी, वो मांग उसकी घटेगी। ये हुआ एक नॉर्मल नियम कि जैसे जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे उस चीज़ की आपूर्ति जो है वो, बोलो, जैसे जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे उस चीज़ की आपूर्ति को पूरा करने के लिए सप्लायर्स पर प्रेशर बढ़ेगा, बोलो। और सप्लायर बड़े पैमाने में अपना प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज कर पाएंगे। तो कोई भी उत्पादन हुआ, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलो फ्रिज है ना, अगर आपका जो फ्रिज है उसकी कीमत पहले जो है 10,000 रुपये थी, कितनी थी, 10,000 रुपये। अब लोगों के पास पैसा खूब है, बैंकों ने लोगों को लोन दे रखा है, तो उनकी जेबें भरी पड़ी हैं। ऐसे में हर व्यक्ति 10,000 से बड़ी रकम उस फ्रिज को खरीदने के लिए पे कर सकता है। तो जब लोगों की जेब में पैसा ज्यादा होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बेहतर होगी, खरीदने की क्षमता बेहतर होगी, ऐसे में इस फ्रिज की कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि प्रोडक्ट एक ही है मार्केट में, खरीदने वाले बहुत हैं और हर कोई इच्छुक है कीमत अदा करने का, तो इसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। इसका ठीक उलट, अगर इस फ्रिज के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो इस फ्रिज की जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ जाएगी। तो जो कीमतें हैं, प्राइसेस, वो भी डिमांड और सप्लाई पर फर्क डालती हैं। अगर कीमतें घटेंगी तो डिमांड बढ़ेगी, अगर कीमतें बढ़ेंगी तो डिमांड कम होगी, राइट। तो ये तो हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनसे हमने आज इकोनॉमिक्स का श्री गणेश किया है। हम अपने इन सेशंस में इकोनॉमिक्स को पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। कोई सुझाव जो आपका है, जिससे आप बेहतर समझ सकते हैं, वो सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि इन सभी क्लासेस को आपके लिए और ज़्यादा बेहतर और रुचिकर बनाया जा सके। कुछ विद्यार्थी जो हैं वो पीपीटी ओरिएंटेड पढ़ाई बेहतर करते हैं, इसलिए मैं उसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आपको पुराना जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड पसंद है, चॉक एंड बोर्ड वाला जो हमने आज की क्लास में यूज़ किया है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स जो आप शॉर्ट्स के माध्यम से देखना पसंद करो, तो वो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर पाएं, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कंटिन्यू लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।